दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो लेटेस्ट दी जा रही है। अगर आप एक साल की, दो साल की, तीन साल की या फिर पांच साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे आप एक जनरल पब्लिक हो या सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में आपके लिए क्या फिक्स डिपॉजिट रेट बैंकों द्वारा दी जा रही है। हमने बैंक को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमारी सभी गवर्नमेंट बैंक होगी, जिसके अंदर कौन सी बैंक जो आपको हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रही है और कौन सी ऐसी बैंक है जो लोएस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट दे रही है, जिसका कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल की फिक्स डिपॉजिट में। जो दूसरी कैटेगरी है वो प्राइवेट बैंक्स की है और जो तीसरी कैटेगरी है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इन तीनों कैटेगरी के जो बैंक है उनमें हम देखेंगे कि कौन सी बैंक आपको हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रही है और कौन सी बैंक है जो जिसमें आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एफडी द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है क्या है लेटेस्ट रेट और कौन सी बैंक के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, जानते हैं क्या है फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लेटेस्ट गवर्नमेंट बैंक के अंदर, यानी जितनी भी आपकी गवर्नमेंट बैंकें हैं जिनमें से आपको कौन सी फिक्स डिपॉजिट पर हाईएस्ट ब्याज दिया जाएगा। अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है या कुछ स्पेशल एफडी करवाते हैं, कुछ स्पेशल डेज की एफडी करवाते हैं, तो उस केस में कितना ब्याज आपको दिया जाएगा। ये जो ब्याज दिया जा रहा है, ये जो फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट जो रखा है वो 2 करोड़ के अंदर वालों के लिए ही ये रखा हुआ है। अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर रेट चेक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स, जिसके लिए आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर और आपने चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं सभी गवर्नमेंट बैंक की फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से कम है और जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 2 करोड़ के अंदर है, तो उसके इसमें क्या लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट उनको दी जा रही है सभी गवर्नमेंट बैंक द्वारा, SBI, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सभी जो गवर्नमेंट बैंक है जिसमें आपको किसमें हाईएस्ट फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दिया जाएगा, आइए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक साल से दो साल या दो साल से तीन साल, तीन से पांच साल या पांच साल से ऊपर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको किस में ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक साल से दो साल के बीच में। तो एक साल से दो साल के बीच में बात करेंगे तो उसमें कैनरा बैंक जो है वो आपको हाईएस्ट ब्याज दे रही है 6.85% और जो सबसे लोवेस्ट ब्याज दे रही है वो है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो 6.2% तक का ही ब्याज आपको दिया जा रहा है। यानी सबसे हाईएस्ट बैंक आपको कैनरा बैंक दे रही है अगर आप एक साल के ऊपर की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आप दो साल से तीन साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सबसे हाईएस्ट ब्याज दे रही है 7.25%, जबकि आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे लोएस्ट ब्याज दे रही है 6.25%। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं और भी बैंकें जो है आपको 7% तक का ब्याज दे रही है अगर आप दो साल से तीन साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों अगर आप तीन साल से ऊपर की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में कैनरा बैंक जो है फिर से एक बार 6.8% यानी हाईएस्ट ब्याज आपको दे रही है और जो लोएस्ट ब्याज दे रही है वो आपको दो बैंकें दे रही है, सबसे कम 6% का ब्याज आपको दे रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये दो बैंकें आपको सबसे कम ब्याज दे रही है। इसके बाद बात करते हैं अगर आप पांच साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में भी कैनरा बैंक ही आपको, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंकें जो है वो आपको हाईएस्ट 6.7% का ब्याज दे रही है फिक्स डिपॉजिट पर और सबसे जो लोवेस्ट दे रही है बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो आपको 6% तक का ही ब्याज दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक साल से अगर आप पांच साल, एक साल, दो साल, तीन साल या पांच साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको कैनरा बैंक जो है वो सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बैंक है जो आपको सबसे हाईएस्ट ब्याज देगी। इसके अलावा अगर हम 7 से 14 दिन की अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या 15 से 30 दिन की करवाते हैं या 31 से 45 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में भी कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दो बैंकें आपको हाईएस्ट ब्याज देगी, लेकिन जो सबसे लोएस्ट दे रही है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो आपको 2.75% और 3% के हिसाब से आपको ब्याज दिया जा रहा है।
इसके अलावा अगर आप 46 डेज से लेकर 179 डेज के बीच के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक दे रही है, लेकिन लोवेस्ट जो है आपको इंडियन बैंक सबसे कम ब्याज दे रही है। अगर आप 180 दिन के ऊपर से लेकर 364 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही हाईएस्ट ब्याज देने वाली एफडी है ये बैंक है, और इंडियन बैंक जो है वो आपको सबसे लोएस्ट ब्याज दे रही है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें, अगर आप एक जनरल पब्लिक है, आपकी एज 60 साल से कम है, तो उस केस में जो कैनरा बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है बाकी गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में हायर ब्याज जाना चाहते हैं तो उस केस में आप कैनरा बैंक, या फिर आप चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको हाईएस्ट ब्याज जो है देखने को मिल सकता है। तो आइए अब आ जाते हैं अपने सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट बैंक के अंदर कितनी फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज आपको दिया जाएगा वो भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों सीनियर सिटीजन की बात करें यानी आपके 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो जो दो बैंकें हमने आपको बताई थी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, वही दो बैंकें आपको सीनियर सिटीजन के लिए भी हाईएस्ट ब्याज दे रही है, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। लेकिन अगर आप देखें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको हाईएस्ट यानी 7.5% तक का ब्याज दिया जा रहा है। अगर लोवेस्ट की बात करें तो आपको पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो सबसे कम ब्याज देने वाली फिक्स डिपॉजिट रेट इंटरेस्ट रेट है, वो बैंक जो है आपको कम से कम ब्याज आपको दे रही है 6.70 या 6.75, इस तरह से आपको ब्याज 6.5 से लेकर 6-7% के बीच के अंदर आपको दिया जा रहा है सबसे लोएस्ट। तो आइए अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन का अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में जो हाईएस्ट ब्याज आपको दे रही है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट दिया जा रहा है वो आपको इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा दिया जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको सबसे कम 7.25% पर ही आपको ब्याज दिया जा रहा है अगर आप छोटी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आप 46 डेज से लेकर 180 डेज तक करवाते हैं तो उस केस में आपको कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा, देखा जाए तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सबसे हाईएस्ट ब्याज फिक्स डिपॉजिट पर देने वाली बैंक है। इनके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट बैंक है वो आपको इनसे कम ब्याज दे रही है, लेकिन जो सबसे जो लोएस्ट है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो आपको सबसे लोएस्ट ब्याज दे रही है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो। स्पेशल फिक्स डिपॉजिट करवाते इन गवर्नमेंट बैंक के अंदर तो कौन सी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट करवाने पर आपको हाईएस्ट ब्याज मिलेगा ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 200 दिन की, 300 दिन की, 333 दिन की, 399 दिन की, 400, 443 डेज की, 444 डेज की, 445 डेज की और 555 डेज की आप फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको सरकारी बैंक के अंदर जो SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सबसे हाईएस्ट जो ब्याज आपको दे रही है वो 555 डेज के अंदर दी जा रही है पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा 7.35%, ये जनरल पब्लिक है, और 7.85% आपको सीनियर सिटीजन के लिए दिया जा रहा है जो सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा अगर आप फिक्स डिपॉजिट चूज करना चाहते हैं स्पेशल, तो 444 डेज की जो है पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये आपको 7.25% इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 7.75% तक का ब्याज दे रही है। और अगर आप 400 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया आपको हाईएस्ट ब्याज दे रही है। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज दे रही है आपको स्पेशल फिक्स डिपॉजिट पर। लोवेस्ट की बात करें तो आपको पंजाब एंड सिंध बैंक 445 डेज के लिए और 556 डेज के लिए जो 6.2% और 6.7% यानी सबसे कम स्पेशल एफडी पर आपको ब्याज दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपको सबसे ज्यादा ब्याज लेना है तो उस केस में पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर स्पेशल एफडी करवाते हैं, या फिर अगर आप कैनरा बैंक के अंदर भी स्पेशल एफडी करवाते हैं तो आप अच्छा खासा ब्याज कमा सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली सभी गवर्नमेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं जिसके अंदर आपको कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे हाईएस्ट एफडी पर ब्याज दे रही है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक की, जिसके अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन है या नॉन सीनियर सिटीजन है दोनों ही कैटेगरी के अंदर आपको कौन सी बैंक जो है प्राइवेट बैंक के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो किसमें आपको ज्यादा ब्याज दिया जाएगा आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो IndusInd बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज दे रही है, जनरल पब्लिक के केस में आपको 7.5%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 8.5%
3.25% तक का ब्याज आपको दिया जा रहा है। ये प्राइवेट बैंक है, एक साल के लिए फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते तो इस प्राइवेट बैंक के अंदर जो इंडस आईएनडीए जो सबसे ज्यादा आपको ब्याज दे रही है, जो सबसे लोएस्ट आपको ब्याज दे रही है वो है कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी बैंक। कोटक महिंद्रा आईडीएफसी बैंक आपको 6.5 से लेकर 7% इनकेस अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको ब्याज दिया जा रहा है। सेकंड हाईएस्ट की अगर बात करें तो येस बैंक आपको 7.25 से 7.75% तक का ब्याज आपको दे रही है, यानी ये सेकंड हाईएस्ट हो जाता है जिसके अंदर आपको हाईएस्ट ब्याज मिल जाता है अगर आप येस बैंक के अंदर करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर अगर आप इंडस आईएनडी बैंक के अंदर करवाएंगे जो सबसे ज्यादा आपको ब्याज दिया जाएगा, और कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी में आपको सबसे कम फिक्स डिपोजिट पर ब्याज दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप 2 साल की फिक्स डिपोजिट करवाते प्राइवेट बैंक के अंदर तो कौन सी हाईएस्ट ब्याज आपको दिया जाएगा, तो इंडस आईएनडी बैंक और आईडीएफसी बैंक और आरबीएल बैंक, ये 3 बैंक के जो है वो आपको हाईएस्ट जनरल पब्लिक के केस में 7.5% तक का ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडस आईएनडी की बात करें तो सीनियर सिटीजन के केस में 8.25% सबसे हाईएस्ट दिया जाएगा, बाकी के केस के अंदर सिर्फ 8% तक का ही ब्याज दिया जाएगा। जो सेकंड हाईएस्ट हमारी इसके अंदर होगी जो 2 साल की फिक्स डिपॉजिट है वो येस बैंक है, वो आपको 7.25% से लेकर 7.75% इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है। जो लोएस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दे रही है वो है साउथ इंडियन बैंक, जो आपको 6.5 से 7% तक का ब्याज सीनियर सिटीजन के केस के अंदर दिया। अगर 3 साल के फिक्स डिपॉजिट करते हैं प्राइवेट बैंक के अंदर तो उस केस में आपको येस बैंक, इंडियस आईएनडी बैंक और आईडीएफसी बैंक जो है सबसे हाईएस्ट ब्याज दे रही है। जनरल पब्लिक के केस में 7.25% और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 8% तक का ब्याज दिया जाएगा, लेकिन आईडीएफसी बैंक के अंदर 0.25% कम होकर यानी 7.75% तक का ही ब्याज दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए। जो लोएस्ट बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक और साउथ इंडियन बैंक, जो आपको 6.5% जनरल पब्लिक के केस में और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 7% तक का ही ब्याज दे रही है। तो 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं जिसके अंदर आपको ये जो 3 बैंक है वो सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। साथ अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं जो टैक्स सेविंग डिपॉजिट है एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है अगर आप 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में कौन सी बैंक प्राइवेट बैंक जो है वो आपको हाईएस्ट ब्याज दे रही है। तो अगर हम बात करें येस बैंक और इंडस आईएनडी बैंक जिसके अंदर आपको 7.25% से लेकर 8% तक इन केस अगर आप सीनियर सिटीजन है आपको हाईएस्ट ब्याज दिया जा रहा है, और अगर आप साउथ इंडियन बैंक के अंदर देखेंगे तो सबसे लोएस्ट आपको 6 से 6.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। तो 5 साल की फिक्स डिपॉजिट हो या 3 साल की हो या 2 साल की या 1 साल की हो तो येस बैंक और इंडियस आईएनडी बैंक और आईडीबीसी बैंक आईडीएफसी बैंक जो है वो आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज दे रही है फिक्स डिपॉजिट पर। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली सभी प्राइवेट बैंक के बारे में, अब हम जानेंगे कि सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर हम किसी में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो वो हाईएस्ट एफडी रेट देने वाली फाइनेंस बैंक, तो कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप 1 साल की स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में जो उज्जवल फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है जनरल पब्लिक के केस में 8.25% और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 8.75% तक का ब्याज दे रही है। इनके अलावा जो सेकंड हाईएस्ट है वो 3 बैंक के हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, उत्कर्ष और जना फाइनेंस बैंक है। तो इक्विटास के अंदर आपको 8.2% और 8.7% का ब्याज दिया जा रहा है, और जना और उत्कर्ष के अंदर आपको 8% का ब्याज दिया जा रहा है जनरल पब्लिक के केस में, और अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करें तो 8.6 और 8.50% का ब्याज आपको दिया जा रहा है। जो सबसे कम आपको ब्याज दिया जा रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर वो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके अंदर आपको 6% और सिर्फ 6.5% इनके सीनियर सिटीजन है तो आपको सबसे लोएस्ट ब्याज दिया जा रहा है। आप 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर तो उस केस में आपको उत्कर्ष, सूर्योदय और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आपको 8.5 से 9% तक का, इनके सीनियर सिटीजन है तो 9% तक का आपको ब्याज दिया जा रहा है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। जो सेकंड हाईएस्ट है वो है जना, जो आपको 8.25% और 8.75% दे रही है ब्याज है। इसके अलावा शिवालिंग की बात करें तो आपको 8% और 8.5% का ब्याज दिया जा रहा है, और अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस के अंदर अगर 2 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके इसमें आपको 8.01 से लेकर 8.61% तक का ब्याज दिया जा रहा है। जो सबसे कम स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल के एफडी पर आपको दिया जाएगा वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके अंदर 7.15 से लेकर सीनियर सिटीजन है तो 7.65% तक का ही ब्याज आपको इस 2 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको दिया जा रहा है। 3 साल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा दिया जा रहा है 8.6% जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 9.10%। इसके अलावा अगर उत्कर्ष और जना की बात करें तो 8.5 से 9% तक का ब्याज
आपको दिया जाएगा। इनके अलावा चार बैंक और है, एयू, इक्विटास, शिवालिंक और फिनकेयर, जो आपको 8 से 8.5% इनके सीनियर सिटीजन है तो 8.5%, जनरल पब्लिक है तो 8% तक का ब्याज दिया जाएगा। सबसे कम 3 साल की फिक्स डिपोजिट पर आपको ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रही है 6.75% से लेकर सीनियर सिटीजन केस में तो 7.25% तक का ब्याज आपको सबसे कम 3 साल के फिक्स डिपॉजिट पर आपको दिया जाएगा। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर तो कितना ब्याज आपको मिलने वाला है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको सबसे हाईएस्ट 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर दिया जाएगा, जनरल के केस में 8.25% और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 8.75%। इनके अलावा फिनकेयर और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको जनरल के केस में 8% और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उस केस में आपको 8.6 और 8.75% तक का ब्याज दिया जाएगा। जो सबसे कम आपको ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रही है 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर जो 6.25% जनरल के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 6.75% तक का ब्याज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों हमने सभी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट, जो लेटेस्ट रेट है, जो सभी बैंकों की वेबसाइट से हमने ये रेट्स जो चार्ट प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। अगर आपका आपको इसको पीडीएफ में अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो मेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसपे आप मेल मुझे करके आप चाहें तो इसको पीडीएफ में भी मुझसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों हमने फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड सभी बैंकों के बारे में जो रेट्स हैं वो जानी है, जिसमें सबसे हाईएस्ट ब्याज आपको कौन सी बैंक द्वारा दिया जा रहा है और कौन सी ऐसी बैंक है जो आपसे कम सबसे लोएस्ट ब्याज दे रही है फिक्स डिपॉजिट करते वक्त। तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप करने जा रहे हैं तो इन रेटों को जरूर चेक कर लीजिए, ये लेटेस्ट रेट है जो सभी बैंक वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन हमने आपके लिए पूरा का पूरा ये चार्ट प्रिपेयर किया है ताकि आप आसानी से समझ सके कि कौन सी बैंक के अंदर आप करवाते हैं अगर फिक्स डिपॉजिट, तो कौन सी बैंक के अंदर कौन से पीरियड के लिए आपको फायदा ज्यादा होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो ज्यादा ज्यादा आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।